कंचन काया अभी हो जाए आत्मिक स्थिति में टिक जाओ आत्मिक स्थिति देवान आने ही ना पाए वही तो समस्या है वही समस्या तो भाई बता रहा है बाबा असली समस्या तो वही है हम रास्ते हम एक्शन में हमारा फाउंडेशन नहीं बना प्रैक्टिस पक्का डाल प्रैक्टिस हम करते हैं हम 2 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं एकदम कैसे पहुंच जाओगे 63 जन्मों के हिसाब किताब एकदम छूमंतर काली हो जाएंगे उठना नहीं पड़ेंगे 63 जन्मों की जो रील घूम रही है अभी पुरुषार्थी जीवन में फिर हम उसे वापस चले जाते हैं कि हमको गुरु चाहिए हाँ तो गुरु चाहिए है? कि भाई ऐसा करो ऐसा करने से ऐसा नहीं है तो रोज बाबा वाणी में सुनाते हैं ध्यान से सुनते ही नहीं मुरली तो रोज पढ़ने के लिए बोला है या कभी कभी पढ़ने के लिए बोला है रोज पढ़ने रोज सुनने के लिए बोला है पवित्र वातावरण में पुरुषार्थ सबसे ज्यादा होता है पवित्र वातावरण में इसका मतलब सन्यासी जो है वो अच्छे पुरुषार्थी हो गए वो जंगल के वातावरण में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो बढ़िया पुरुषार्थी हो गए कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बनना वो किंग फ्लावर कहा जाता है क्या कीचड़ में रहे और कीचड़ में रह करके भी ऐसा पवित्र फूल बन जाए कि वो फूल कीचड़ में से निकाल करके पानी में से निकाल करके और 1 महीने तक स्वच्छ वातावरण में रख दो वो मुरझाता नहीं है तो किंग फ्लावर बनना है या दूसरा फ्लावर बनना है अच्छे में रह करके तो सब अच्छे हो जाते हैं कोई बड़ी बात नहीं लेकिन बुरे में रह करके अपने को भी अच्छा बनाना और दूसरों को भी अच्छा बनाना ये पावरफुल आत्मा की बात है या कमजोर आत्मा की बात है पावरफुल बनना है या कमजोर बनना है पावरफुल बनना है खुद भी सुधरें और दूसरों को भी सुधारें ऐसे नहीं अच्छा अच्छा हप हप कड़ुआ कड़ुआ छू छू भाग बाबा